हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन की एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में 3 साल की बच्ची समेत 5 मजदूरों की पत्थरों की दीवार ऊपर गिरने व दबने से मौत। जालौन जिला मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र तृतीय में शाम करीब 4:30 बजे निर्माणाधीन ग्रेनाइट फैक्ट्री में दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है। हादसे के दौरान पास खड़े मजदूरों ने आसपास फैक्ट्री पर काम करने वाले लोगों को बुलाया। सूचना मिलते ही ग्रेनाइट एसोसिएशन की ओर से JCB भेजकर मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भेजा, जिसमें से 5 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मृतकों में विक्रम कुमार पुत्र हीराराम भील निवासी कांकरी ठाणी जालौर, दिनेश कुमार पुत्र लुकाराम भील निवासी रेवत, सुरम सिंह पुत्र नंदलाल आदिवासी निवासी खरोली जिला 12, अनुष्का पुत्री सूरम सिंह आदिवासी उम्र 3 साल और जानकी लाल पुत्र तेजाराम आदिवासी निवासी बिलखेड़ा जिला 12 की मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल पर प्रशासन व पुलिस देरी से पहुंचे। करीब 6 बजे जिला कलेक्टर नम्रता विश्नोई व पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह में जाप्ता के साथ मौके पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इधर सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाद में भीड़ को हटाने के लिए जाप्ता तैनात किया। ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल सिंह धानपुर ने कहा कि घटना दुखद है। जैसे ही सूचना मिली एसोसिएशन ने JCB भेजी और लोगों को बाहर निकाला। CI लक्ष्मण सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। बाद में मलबे में दबे लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नैन सिंह राजपुरोहित व सदस्य रमेश मेघवाल भी अस्पताल पहुंचे। राजपुरोहित ने बताया कि मृतकों में नाबालिग की सूचना पर पहुंचे। इस दौरान CO व CI को नाबालिग के होने पर नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करते समय 5 मजदूरों की मौत होने की जब जानकारी मिली तो हम अस्पताल पहुंचे। वहां जाने पर हमें जानकारी मिली कि एक तो कोई 3 माह की बच्ची है जो उनके साथ में थी, और मौजूद लोगों ने बताया कि उसमें 1-2 बाल श्रमिक भी है जिनकी उम्र कम है। तो हमने इस बारे में CI साहब और IO साहब को कहा है कि इस बारे में उनके जो आयु संबंधी दस्तावेज वो मंगवाए, उसी के आधार पर आयु निर्धारित करके फिर जांच करें और उसको बाल श्रम में अलग से एक मामला दर्ज करके कार्रवाई करें। जागरूक टीवी की जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।